हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है एनएचपीसी की तरफ से। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जेई की वैकेंसी निकाली गई है। मेरे ख्याल से ये यूपीआई ब्यूनल की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस चांस को मिस मत करिएगा, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और इस वीडियो में आपको एनएचपीसी के बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी जो वैकेंसीज आई हैं उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, हर वैकेंसी का डिटेल क्या है, आपको कितना सीटीसी मिलने वाला है, आपका प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है आपकी और कैसे आपको अप्लाई करना है। आप सभी लोगों ने लास्ट में जब आपका यूपीआई अपना फॉर्म फिल किया था, आप लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक की थी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आपके टेस्ट सेंटर कहाँ पर होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कुछ आखिरी में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो के हेल्प से एनएचपीसी के बारे में एक वीडियो में आपको पूरी नॉलेज दे दूँगा। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं एनएचपीसी। पहले हम समझ लेते हैं कि एनएचपीसी क्या है। फ्रेंड्स, एनएचपीसी आपकी एक मिनी रत्न कंपनी है फ्रेंड, और इसका 70.95% पोर्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब एक तरह से ये पूरी पीएसयू कंपनी है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी प्रिपरेशन फ्रेंड आप लोग अच्छे से करिए। बहुत ही अच्छी चांस है ये आप लोगों के लिए जेई बनने का, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो आपका फॉर्म फिल करने का डेट आज से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 सितंबर से आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया जा चुका है और 30 सितंबर आपकी जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, ठीक है। अभी इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम कब होगा, बट आप ये मान चलिए कि 3 मंथ्स के अंदर आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। बस कोरोना की थर्ड वेव ना है, आपका 3 मंथ्स के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपको मैं इसका लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। जो लास्ट ईयर पेपर आया था इसको मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए आपकी जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ये आपका एमबीबीएस वालों के लिए, हम डिस्कस कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर के बारे में, ठीक है। देखिए जो आपकी सिविल की है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, मतलब सिविल वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और मैकेनिकल वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास बस फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब इसमें जो है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटो कैड की नॉलेज है तो वो आप में थोड़ा सा वैल्यू एड कर देगा, बट ऐसा नहीं है कि ऑटो कैड आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, आपकी जो है सिविल में 68 वैकेंसीज हैं, जिसमें से एससी वालों के लिए 11, एसटी वालों के लिए 4, ओबीसी वालों के लिए 19, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 और अनरिजर्व वालों के लिए 28 वैकेंसी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में टोटल 34 वैकेंसीज है, जिसमें से आपकी एससी वालों बच्चों के लिए 1 वैकेंसी आपकी बैकलॉग वैकेंसी है, और इस साल जो वैकेंसी निकली है 4 वैकेंसी एससी वाले बच्चों के लिए है, 3 वैकेंसी एसटी वाले बच्चों के लिए है, 8 वैकेंसी ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस और 15 आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करें मैकेनिकल वैकेंसीज की तो 31 वैकेंसी फ्रेंड आप लोगों के लिए निकली है मैकेनिकल में, 5 एससी वाले बच्चों के लिए, 2 एसटी वाले बच्चों के लिए, 6 ओबीसी वाले बच्चों के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस और 15 आपकी अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। तो ये आपका है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितना पैकेज आपको मिलेगा, आपका सीटीसी क्या रहेगा, तो फ्रेंड जो आपका सीटीसी रहने वाला है तो आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी का स्लैब होगा 29,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपका बेसिक पे रहेगा, डीए रहेगा, एचआरए आपको मिलेगा, कैंटीन का अलाउंस मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पीआरपी में आपको इसमें मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कंपनी पैसा देती है। आपको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलेंगे, पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, जैसे जैसे आपके नए रूल्स आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पैकेज में भी चेंज होता रहेगा फ्रेंड। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, तो आई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में आपकी वेबसाइट सर्वर बिजी हो जाता है और आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और मैं फिर से आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल पर लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कराऊँगा आप लोगों को, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस का अपडेट मिल सके टाइम पे, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा। देखिए आपका जो प्लेसमेंट होगा, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत इन आपको ऑफिस में भी जॉब मिल सकती है, तो बहुत अच्छी जगह आपका प्लेसमेंट होगा आपका, अगर आपको इसमें जॉब मिलती है तो, ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रहने वाली है
जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 250 रुपीज़, और आपको ये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और जो बच्चे आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, ठीक है। और अगर आपने एक बार फ़ीस पे कर दी तो आपकी फ़ीस जो है रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान से इस फॉर्म को फिल कर दिएगा, 2-3 बार अपना फॉर्म चेक करने के बाद ही फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिएगा, ठीक है। आप देखते हैं आपको स्टेप्स फॉर अप्लाइंग कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां डायरेक्ट क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको इस वैकेंसी के बारे में दिख जाएगा और आप वहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें पहले से रखनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको स्कैंड कॉपीज रखनी है, जैसा कि मैंने आपको UPI विनर में फॉर्म फिल करना सिखाया था, तो उसी तरह मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ों का स्कैंड कॉपी रखना है, पहले तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट स्कैन रखना है एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी सर्टिफिकेट को जो है सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने नहीं बोला है, बट अगर आप लोग सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार इसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, कम्प्लीट सेट ऑफ मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास हर एक मार्कशीट का एक सेट होना चाहिए, या तो फाइनल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, अगर आपको फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा तो आप एक कम्प्लीट सेट लगा दीजिएगा अपनी हर ईयर की मार्कशीट का, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आपका प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें आप लोग ध्यान देखिएगा, जो अपने OBC वाले बच्चे हैं, आपने UPI विनर में भी यही गलती की थी, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ओबीसी कैंडिडेट्स द कम्युनिटी सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड विद इन 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, उससे पुराना आप लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और आपको लेटेस्ट फोटो और साइन अपलोड करना है यहाँ पे, और आपको इसका प्रिंटआउट निकाल के रख लेना है, और इसमें आपकी जो है एक यूनिक आईडी मिलेगी आपको एप्लीकेशन की, उसको आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लेना है। इसमें कोई भी आपको फॉर्म जो है इसको पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्म यहाँ पे पोस्ट नहीं करना है। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और प्रिंट आउट फॉर्म टू पोस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें बस आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CVT टेस्ट होगा, और आपकी जो मेरिट बनेगी सीधे आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। फ्रेंड बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, बस आपको जो है मेरिट के बेस पे अपॉइंटमेंट का ऑफर दे दिया जाएगा और आप जो है JEE बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अपनी तैयारी आप लोग पूरी मेहनत से करिए। बाकी मैं अपने चैनल पे लास्ट ईयर के JEE पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, आप कोई भी JEE एग्जाम देंगे आप लोगों के लिए वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी UPI विनर का पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसमें हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको अगर आने वाले एग्जाम में उस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका टेस्ट सेंटर कहाँ रहने वाला है। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा टोटल 22 सिटीज़ में आपका टेस्ट होगा, तो आप इसमें से कोई भी सिटी चूज़ कर लीजिएगा जो आपके नाम दिए हुए सिटीज़ के, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंजी, रांची, रायपुर एंड शिमला। तो ये आपके 22 सिटीज़ है जहाँ पे आपके एग्ज़ाम के सेंटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अपना कि आपका स्कीम क्या होगा एग्ज़ाम का, मतलब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दोनों हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन फ्रेंड 3 आवर्स का होगा, मतलब 180 मिनट आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन फ्रेंड 1 मार्क्स का होगा, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा JEE वाले बच्चों के लिए, Part 1, Part 2, Part 3, उसमें 3 पार्ट रहेंगे। 140 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके टेक्स्ट से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। तो आप लोग करंट अफेयर्स को फ्रेंड फोकस करके चलिएगा, ठीक है। उसमें आपके 30 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स के आएंगे, और बाकी 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 140 क्वेश्चन आपके जो है आपकी जो भी डिसिप्लिन है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन क्या क्या छूट मिलने वाली है। तो जो आपके SC ST बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से जो भी छूट मिलती है वो इसमें मिलेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है
कि जो इसमें एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं उनको अगर आप सीबीटी या रिटर्न टेस्ट देने जाएंगे तो आपको आने जाने का अप टू सेकेंड रेलवे फेयर का आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2021 टू एलिजिबल फॉर, मतलब आप 1 जुलाई 2021 से पहले अगर आपने इसका एलिजिबिलिटी पास कर लिया है तो अभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो ये आपका जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ फरीदाबाद, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा इसका रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनएचपीसी का फुल डिटेल। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिएगा। मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूँ कैसे आपको वैकेंसी को अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा, अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे शेयर कर दिएगा ये वीडियोज। चैनल पे नया तो फ्रेंड अच्छे कंटेंट्स मैं चैनल पे अपने अपलोड करता रहता हूँ, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज आपको टाइम पे मिल सकें। और आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी थॉट्स है प्लीज़ कमेंट कर दिएगा मुझे वीडियोज में, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।